नमस्कार दोस्तों। चलिए तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। इस बात से तो आप लोग हमेशा परिचित हैं कि जब भी राजनीति होती है, फिर कहीं का चुनाव हो, किसी स्टेट का चुनाव हो, फिर आम चुनाव हो या लोकसभा के, तब आपको कई नेताओं पर राजनीति करने को दिखती है। अभी आपने महाराष्ट्र में देखा होगा, विनायक दामोदर सावरकर के बारे में एक अच्छी तगड़े से राजनीति हुई, और इन्हीं का फायदा लेकर ये आज तक भी राजनीति करते आ रहे हैं। लेकिन इनके कदमों पर कोई नहीं चलता है। आप सोचिए कि महात्मा गांधी के कदमों पर कौन सा नेता चलता है, लेकिन उनके नाम पर राजनीति आज भी की जा रही है। आप सोचिए सरदार पटेल साहब के कदमों पर कौन सा चलता है, लेकिन राजनीति अभी भी पूरी तरह से की जा रही है, फिर चाहे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू कोई भी हो। तो आज बात करते हैं हम लोग विनायक विनायक दामोदर सावरकर साहब के बारे में। हाल ही में विनायक दामोदर सावरकर की 137वीं जयंती मनाई गई। 137वीं। तो जानते हैं विनायक दामोदर सावरकर का परिचय देखते हैं, यानी कि कब जन्म हुआ। तो याद रखिए, विनायक दामोदर सावरकर साहब का जन्म 28 मई 1883, फिर से सुन लीजिए, 28 मई 1883, यहाँ हमें स्पेंट हो गया, ठीक है, 28 मई है यहाँ। 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के भावुर ग्राम नासिक जिला में हुआ था। इन्हें वीर सावरकर के नाम से भी आप लोग जानते हैं। सावरकर की शिक्षा देश और विदेश, यानी कि विदेश में लंदन दोनों जगह हुई थी। 1904 में सावरकर ने पूना में अभिनय भारत सभा की स्थापना की थी। कई बार ये क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में बन जाता है, वनडे एग्जाम में भी बन जाता है कि अभिनव अभिनय भारत सभा की स्थापना किसने की थी, वीर सावरकर साहब ने। इसके अतिरिक्त तो उन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। इंडिया हाउस नामक राष्ट्रवादी संस्था से भी सावरकर साहब जुड़े हुए थे आपके। 1919 में मदन लाल ढींगरा द्वारा लंदन में सर विलियम कर्जन वायली की हत्या की गई। इस हत्या के तार सावरकर से जोड़े गए, क्योंकि अंग्रेजों का कहना था कि हत्या में प्रयोग की गई पिस्तौल सावरकर ने उपलब्ध कराई थी। अतः उपयुक्त हत्या नासिक कलेक्टर जैक्सन की हत्या, इंडिया हाउस संस्था से जुड़े होने इत्यादि के आरोप में विनायक दामोदर सावरकर को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित सेलुलर जेल में भेज दिया गए थे, आजीवन कारावास। लेकिन 1921 में फिर इन्हें ब्रिटिश सत्ता ने एक समझौते के तहत सावरकर को रिहा कर दिया था। इस समझौते में था कि 1937 ईस्वी तक राजनीतिक रूप से नजरबंद रहेंगे आपके सावरकर साहब, किसी भी प्रकार की राष्ट्रवादी गतिविधियों में शामिल भी नहीं होंगे। ये उसी तरह से आप ले सकते हैं कि जब किसी को एक गारंटी पर जमानत दे दी जाए कि वो इस जिले में प्रवेश नहीं करेगा, समझ रहे हैं, तो उसी की बात चल रही है। सावरकर का निधन स्वतंत्र भारत में 26 फरवरी 1966 को मुंबई में हुआ था। इनका जन्म हुआ आपका 28 मई 1883 को, और इनकी मृत्यु कब हुई, निधन 26 फरवरी 1966 को मुंबई में, ठीक है। अगर हम लोग सावरकर साहब की योगदान की बात करें कि इनका योगदान क्या रहा है, तो विनायक दामोदर सावरकर अपने कई भाषण और लेखों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उदाहरण देते थे, क्योंकि सावरकर अंबेडकर के निचले तबके के लोगों के उद्दान और समाज में उनके अन्य योगदान में से काफी प्रभावित थे। इसलिए कई इतिहासकारों का कहना है कि अंबेडकर मेहर समुदाय और सावरकर ब्राह्मण दोनों ही जातिवाद के चरम वर्ग से आते थे, किंतु विचारधारा के मामले में दोनों ही राष्ट्रवादी नेता काफी समानताएं रखते थे। आपको याद होना चाहिए कि 1949 में जब हमारा देश आजाद हुआ, आपने देखा होगा 1947 में आपकी जो मंत्रिमंडल गठन हुआ, उसमें आपके भीमराव अंबेडकर साहब को लिया गया है। आप हमेशा जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार और भीमराव अंबेडकर के विचार मिलते नहीं थे काफी हद तक, फिर भी उन्हें उसमें रखा गया मंत्रिमंडल में। आप सरदार पटेल साहब के देखिए, सरदार पटेल साहब के और नेहरू के
काफी मुद्दों पर विवाद भी बना रहता था, पर भी उन्हें मंत्रिमंडल में रखा गया, क्योंकि उस टाइम की राजनीति अभी की राजनीति में जमीन आसमान का फर्क है। अब हमारी राजनीति उतनी हद तक गिर चुकी है, उतने नीचे तक कि शायद हम लोग सोच नहीं सकते हैं। समझ सकते हैं आप लोग कि मतलब कितनी ही बुराई होती थी उस समय, लेकिन उनके मतभेद विचारों पर होते थे, आपसी मतभेद कभी नहीं रहते थे। ठीक है, सावरकर चाहते थे कि तत्कालीन भारतीय समाज में सुधार आए, इसलिए 1920 में उन्होंने अपने भाई नारायण राव को पत्र लिखा और उसमें कहा कि जितने संघर्ष की आवश्यकता उपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध है, उतने ही संघर्ष की आवश्यकता जातिगत भेदभाव और छुआछूत के विरुद्ध भी है। आप समझ रहे हैं कि एक मतलब जनरल कैटेगरी के थे सावरकर साहब, और आपके भीमराव अम्बेडकर महार जाति के थे। दोनों में टकराव होना चाहिए था, उन्हें अपनी जाति को लेकर चलना चाहिए था, इन्हें अपनी जाति को, लेकिन नहीं, दोनों ने बीच का रास्ता निकाला और जातिगत भेदभाव के बिल्कुल खिलाफ थे आपकी सावरकर साहब। और अभी के नेताओं को आप देखिए, अगर कोई ठाकुर है, कोई पंडित है, कोई किसी जात का है, तो अपनी जात को लेकर चलता है, दूसरी की जात उसे नीचे दिखती है। सावरकर अंग्रेजों के श्वेत व्यक्ति का बोझ सिद्धांत के विरुद्ध थे। उन्होंने इतिहास को प्रामाणिक ढंग से लिपिबद्ध किया और भारतीयों में विश्वास जगाने के प्रयास किया, अर्थात उन्होंने भारतीय इतिहास को उजागर किया ताकि जनता अपनी अतीत को जाने और उनकी चेतना में जागृति आए। उनका विश्वास था कि जब एक बार जन जागृति आ जाएगी तो अंग्रेजों द्वारा फैलाए जा रहे झूठ का जनता आसानी से सामना कर पाएगी और अपनी स्वतंत्रता का मार्ग स्वयं प्रशस्त करेगी। वीर सावरकर धार्मिक रीति रिवाजों में वैज्ञानिकता के पक्षधर थे। उनका मानना था कि धार्मिक प्रथाओं को वैज्ञानिक सोच व तार्किकता के साथ जरूर देखना चाहिए। सावरकर ऐसे पहले राष्ट्रवादी थे जिन्होंने सर्वप्रथम 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक यानी कि 1904-5 के आसपास में स्वराज की बात की थी, जबकि कांग्रेस ने काफी समय बाद 1929 में के लाहौर अधिवेशन में स्वराज की बात की थी। सावरकर एक संयुक्त भारत के पक्षधर थे। वह चाहते थे कि अलग अलग संस्कृति के लोग मिलजुल कर रहें और एक ऐसा भारत निर्मित हो जो समावेशी और गतिशील हो। सावरकर ने इस बात पर भी बल दिया था कि हमें यूरोपीय समाज से सीखना चाहिए तथा उनकी तरह प्रौद्योगिकी पर बल दिए प्रदान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त सावरकर अन्वेषण व नवीन विचारों को भी समर्थन देते थे। सावरकर की भारतीय सिनेमा के प्रति फ्यूचरिस्टिक अप्रोच काफी सराहनीय थी। सन 1907 में लंदन में सावरकर ने 1857 की क्रांति की स्वर्ण जयंती मनाई और सावरकर ने अपनी पुस्तक इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल 1857 के द्वारा यह स्थापित किया कि 1857 की क्रांति का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। याद रखिए, सावरकर साहब की बुक्स का नाम है इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल 1857। इसमें इन्होंने कहा था कि 1857 की जो क्रांति थी ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश सरकार 1857 की क्रांति को सेना द्वारा एक विद्रोही विद्रोह मानती थी, लेकिन इन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना। भारत में राष्ट्रवाद की क्रांति जगाने वाले वालों में सावरकर प्रारंभिक क्रांतिकारी थे। सावरकर की पुस्तक इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल क्रांतिकारियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत थी। सात बंदी सावरकर ने अपनी पुस्तक में सात बंदियों की चर्चा की है जो निम्नलिखित हैं। बंदियों, वेदों कटा बंदी। वेदों कटा बंदी से तात्पर्य कि वेदों की कुछ लोगों तक ही पहुंच को रोका जाए, इनका सभी लोगों को अध्ययन करने का अधिकार दिया जाए, यानी कि वेदों का सभी वेदों तक सभी की पहुंच उपलब्ध हो। व्यवसायी बंदी, इसमें जन्म के आधार पर व्यवसाय निर्धारित होने की मनाही की गई, यानी कि आप समझ रहे हैं कि कोई अगर सूद है तो वो मतलब ठाकुर है तो वो राजा बनता था, इस तरह की जो भी नहीं रहते हैं कि नाई का नाई बाल काटेगा, जो इस तरह के दूध वाला दूध, इस तरह के नहीं रहते हैं कि जन्म से ही उसका व्यवसाय निर्धारित कर दिया जाता है, पंडित जी कथा वाचेंगे, समझ रहे हैं, तो इसके विरोधी थे। स्पर्श बंदी, इसमें छुआछूत की मनाही या बंदी की बात की गई थी।
समुद्रबंदी। पहले भारतीय समाज में ऐसी मान्यता व्याप्त थी कि कोई यदि समुद्र पार गया तो उसका धर्म नष्ट हो जाएगा, लेकिन सावरकर ने ऐसी तर्क रखे कि समुद्र पार करने से धर्म पर कोई असर नहीं होगा। आप देखते हैं 1857 की क्रांति तक, उसके बाद भी कुछ समय, काफी टाइम तक, अगर कोई व्यक्ति हमारा भारत का समुद्र से होकर जाता था तो उस माना जाता था कि उसका धर्म नष्ट हो चुका है, इसलिए लोग नहीं जाते थे। इसलिए आपके अंग्रेज कानून भी लाते थे इसके लिए, शुद्धि बंदी। इसके तहत हिंदू धर्म में पुनः धर्म परिवर्तन के विरोध में कहा गया कि सावरकर का कहना था कि सभी धर्म समान है। रोटी बंदी, इसमें कहा गया कि सभी जातियों को छुआछूत त्याग कर एक साथ भोजन करना चाहिए। बेटी बंदी, इसमें अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया था। समझ रहे हैं, सावरकर साहब ने अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया था। अब बात करें विवाद के बिंदु क्या है। विवाह विनायक दामोदर दामोदर सावरकर के साथ कुछ विवाद भी जुड़े हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि हिंदू महासभा की स्थापना के साथ सावरकर ने हिंदुत्व को एक एजेंडा के रूप में स्थापित किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक में द्वि राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, अतः उनके लिए दो अलग अलग राष्ट्र होने चाहिए। लेकिन इसके विपरीत कुछ विद्वानों का मत है कि सावरकर हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। उन्होंने हिंदू महासभा के 21वें वार्षिक सम्मेलन 1939 में कोलकाता में जो हुआ था, इसमें बोला था कि कैसे हिंदू और मुसलमान अपने ऐतिहासिक मतभेदों को मिटाकर एक सामाजिक संस्कृति वाले हिंदुस्तान में साथ रह सकते हैं एक संविधान के तहत। यह सही है कि उन्होंने द्वि राष्ट्र का सिद्धांत दिया, किंतु इसमें उन्होंने कहा कि एक ही देश हिंदुस्तान में दो पृथक पृथक राष्ट्र होने चाहिए, हिंदू व मुस्लिम। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि 1921 में सावरकर ने अंग्रेजों के समक्ष जब दया याचिका दी थी तो उन्होंने उन्हें रिहा कर किया गया था। इससे तत्कालीन क्रांतिकारियों के मनोबल पर विपरीत प्रभाव पड़ा था। जबकि दूसरी तरफ अन्य इतिहासकारों का कहना है कि सावरकर ने दया याचिका इस वजह से दायर की थी ताकि भूमिगत होकर या गुपचुप तरीके से भारत की स्वतंत्रता हेतु क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ाया जा सके। ये सीधी सी बात है। ये क्या है कि अभी आप लोग देखते हैं, अगर सरकार कुछ काम करती है तो कई इसके पक्षधर होते हैं, कई इसके विरोधी भी होते हैं। तो समझ रहे हैं, इसी तरह उनके भी विरोधी रहे हैं। तो कई इतिहासकारों ने उनके बारे में अच्छाई लिखी, कई ने बुराई लिखी, तो चलता रहता है। नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या किए जाने के तार सावरकर से भी जुड़े थे। इसकी जांच हेतु कयूर कमीशन का गठन किया गया, जिसने सावरकर को दोष युक्त पाया था। इस तरह हम क्या कह सकते हैं, इस प्रकार देखा जा सकता है कि सावरकर एक स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, राजनीतिक लेखक, फिकर चिंतक, ओजस्वी वक्ता, दूरदर्शी राजनेता थे, जिन्होंने भारतीयों को हीन भावना से बाहर निकालने में अतुलनीय योगदान दिया है। कुछ भी योगदान रहा हो, सीधी बात है कि अभी राजनीति इन पर समय समय पर अच्छे से होती रहती है और वोट बैंक के लिए काम आते रहते हैं। चलिए ठीक है।